हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थ्री बिग क्वेश्चंस फॉर एनालिसिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, जब भी हम स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं तो कौन से ऐसे तीन क्वेश्चंस हैं जो हम प्रॉपरली कंसीडर करते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। थ्री बिग क्वेश्चंस वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू एनालाइज व्हाइल वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी। दीज क्वेश्चंस आर, फर्स्ट वन इज वेयर वी आर, व्हाट इज अवर करंट पोजीशन, व्हाट इज अवर एग्जिस्टिंग पोजीशन, व्हाट इज अवर करंट सिचुएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। जब भी हम कोई भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है, ये क्लियर करना होता है कि अभी हमारी करंट में क्या पोजीशन है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन्स की, मार्केट की बात करें, तो मार्केट में हमारी क्या पोजीशन है, ठीक है, हमारी क्या गुडविल है और कितना हम कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट कर पा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में आप प्रॉपरली स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो आप पहला ये क्लियर कर लोगे कि करंट आपकी पोजीशन है क्या, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस हैं, उनके बेसिस पे आप अपने आप को प्रॉपरली डिटरमाइन कर रहे हो और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो। ठीक है, कि भाई मेरी ये करंट पोजीशन है, मेरे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इस तरीके से हमें क्या करना है, इतना मेरे पास फंड है। अब आप उसके हिसाब से अपने लिए स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करोगे कि भाई जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आपने अपने लिए एक स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की। तो सेकंड थिंग क्या है, पहले आपने अपने आप को प्रॉपरली फाइंड आउट कर लिया। सेकंड वन इज वेयर यू वांट टू गो। ठीक है, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो, कि आप हो कहाँ और आप कहाँ पे जाना चाहते हो। कि भाई आप अभी तो आप यहाँ पे हो और आपने अपने डिज़ायर पोजीशन को ये बनाया है कि भाई आपके क्या लॉन्ग टर्म्स गोल हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक इंटेंट होते हैं कि भाई उसको आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में इस पोजीशन को अचीव करना है। तो वो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो, यू वांट टू अचीव दैट पोजीशन। तो ये चीज़ भी आपको प्रॉपरली, ये चीज़ भी आपको प्रॉपरली क्लियर कर लेनी है कि आप हो कहाँ पे और आप कहाँ पे जाना चाहते हो। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ यू कैन अचीव योर डिजायर्ड पोजीशन, आप अपनी डिजायर्ड पोजीशन को कैसे अचीव कर सकती हो। दिस इज थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कि वेयर यू आर, वेयर यू वॉन्ट टू गो एंड हाउ कैन यू अचीव योर डिजायर्ड पोजीशन, आप अपनी डिजायर्ड पोजीशन को कैसे अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो वो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टोटली जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है वो सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन मेजर क्वेश्चन थे स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन के, यानी कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, व्हाई स्ट्रेटजी, व्हाई यू वांट टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट इज सर्वाइवल, you want to survive yourself, you want to survive your organization, you want that your organization compete your rivals, आप चाहते हो आप organization में को survive करना चाहते हो, properly rivals को compete करना चाहते हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, strategy को formulate करते हो। ठीक है, second thing क्या है, above achievement of your goals, you want to achieve your goals, that's why you are making a fruitful strategy, आपने अपने लिए टाइम सेट, लिमिट सेट करी है कि भाई मुझे 2 सालों के अंदर ये कंप्लीट करना है। ठीक है, अब उसके लिए आप क्या करोगे, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करोगे कि भाई आने वाले 2 साल में मुझे इन डिजायर्ड पोजीशन को अचीव करना है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की। थर्ड वन इज एवरेज रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन की यही कोशिश रहती है कि उसको प्रॉफिट जनरेट हो। मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करूँगा कि मैं अपने सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता रहूँ और साथ के साथ अपनी प्रॉफिट को भी जनरेट करता रहूँ। ठीक है, टू प्रोवाइड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
to create a favorable environment for capital. To create a favorable environment for capital raise. So these are the reason. So here we can say that due to these reason we have to formulate fruitful strategy for our organization, for survival, for achievement of goals, average return and profitability, provide return on investment, or create favorable environment for capital raise. ठीक है, need of strategy भी बता देता हूँ मैं थोड़ा. Market has become global. Varieties of goods and services available. There is a perfect competition. Number of buyers and number of sellers. Due to this reason, you want to compete your competitors. So you have need to formulate a best of fruitful strategy. So first reason is market has become global. ठीक है, अब international market की बात कर लीजिए. बहुत सारे buyer और seller होते हैं. ठीक है, मार्केट क्या है, वास्ट वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल. तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे स्टैंड कर सकते हो, और आप चाहते हो कि मेरा प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे. तो उसके लिए जब तक आप स्ट्रेटजी के हिसाब से काम नहीं करोगे, तब तक कभी भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकता. ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ. मार्केट हैज़ बिकम डायनामिक. अब मार्केट क्या है, डायनामिक यानी कि चेंज होता जा रहा है. ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट ही मार्केट में बस चल रहा है. जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या है, वैरायटीज़ भी चेंज होती जा रही है. अब ऐसी कंडीशन में आप जब तक स्ट्रेटजी पे काम नहीं करोगे, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे, कभी भी आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को भी कम्पीट नहीं कर पाओगे और अपने गोल्स को भी, ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव नहीं कर पाओगे. तो एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. ठीक है, और जैसे हम बात करें, ग्रोइंग कॉम्पिटिशन डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट, इंफॉर्मेशन बेस्ड मार्केट और कस्टमर डोमिनेटेड मार्केट. अब कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग भी चेंज होती जा रही है. उसका प्रेफरेंस किस तरीके से सारी चीज़ों को वो कंसीडर कर रहा है, हर चीज़ में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत होती है स्ट्रेटजी की. जैसे सपोज आपके पास प्रॉपर फंड नहीं है, अब फंड कैसे रेस करना है, किस तरीके से रेस करना है, कैसे अपने मेंबर्स को प्रॉपरली ट्रीट करना है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी हो, रिलायबिलिटी भी हो. तो आप स्ट्रेटजी बनाओगे, आपको ज़रूरत है स्ट्रेटजी की. जैसे मैंने एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मुझे कंटिन्यू लॉस होता जा रहा है. ठीक है, मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है. मैंने बहुत सारे प्लान बनाए लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की, यानी कि जो आपको लूज कंडीशन से बेस्ट कंडीशन की तरफ ले जाए. तो वो आपके लिए क्या है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी है. तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की. ठीक है, ओके, थैंक यू.